हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रेड ग्रेवी वाला मलाई कोफ्ता बना रही हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और 4 बॉयल आलू लिए हैं। आप चाहो तो इसमें खोया भी डाल सकते हो। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप पनीर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब इसको मैं घिस लूंगी। और इसी तरह ही मैं पनीर को घिस लूंगी। पनीर को भी मैंने अच्छे से ग्रेट कर दिया है और अब इसमें मैं 2 चम्मच मैदा ऐड करूंगी। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी कर सकते हो, लेकिन उससे कड़क बनते हैं और मैदा डालने से सॉफ्ट बनेंगे। हम इस मैदा इसलिए डालते हैं ताकि पनीर और आलू अच्छे से बाइंड हो जाएं, ताकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये आप टूटेंगे नहीं, एकदम अच्छे से बनेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हम इसमें हरी मिर्ची भी मिक्स कर रहे हैं। हरी मिर्ची से इसका टेस्ट अच्छा होता है। अब मैं इसकी बॉल्स बनाऊंगी। आप चाहो तो इसको कोई भी शेप दे सकते हो, ओवल शेप भी दे सकते हो, गोल में भी दे सकते हो, लेकिन मैं इसको गोल बनाऊंगी। आप चाहो तो हथेली पे थोड़ा घी भी लगा सकते हो। ऐसे करके हम सब बॉल बना लेंगे। और मैंने अब एक कढ़ाई ली है, उसमें तेल डाल दिया है और हमारा तेल अच्छे से हीट हो गया है और अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। इसी तरह मैं अपने सारे कोफ्ते को तल लूंगी। ये हमारा दोनों तरफ से अच्छे से हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमारे कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बने हैं और अंदर से एकदम अच्छे से कुक हो गए हैं। इधर हम ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। मखानी ग्रेवी बनाने के लिए चीजें तो ऑलमोस्ट सब सेम होती हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर, 8 से 10 काजू लिए हैं, 3-4 लहसुन की कलियां ली हैं और 1 इंच अदरक ली है मैंने। और अब मैं इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लूंगी। सारी चीजों को एक साथ ही ऐड करना है। हम काजू भी इसके साथ ही डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से कुक करेंगे 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से गल जाएं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है और हम आधा कप इसमें पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम ढक देंगे। 10 मिनट बाद हमारा मसाला ऐसे लग रहा है, लेकिन अभी भी हमें इसे 5 मिनट और कुक करना है ताकि ये अच्छे से और गल जाए। अब हम
हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है और अब हम इसको कम से कम 15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे, तब हमें इसको मिक्सी के जार में पीसेंगे। गरम पीसेंगे तो ये उछलकर मुंह पर भी आ सकता है। अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है और अब इसको मैं जार में ट्रांसफर कर रही हूँ। अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूंगी और इसको अच्छे से पीस लेंगे। मसाला हमारा पिस गया अच्छे से। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, तेल हमारा अच्छे से हीट हो गया है और अब इसमें मैं एक चम्मच जीरा डाल दूंगी। वैसे हम इसमें खड़े मसाले भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि मेरे पास जो गरम मसाला है उसमें सारे मसाले डले हुए हैं। और अब इसमें मैं ये बैटर डाल रही हूँ सारा। और मैं अपनी ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। नमक हम थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम दो बारी नमक पहले भी ऐड कर चुके हैं। एक छोटा चम्मच धनिया मसाला, एक छोटा चम्मच गरम मसाला, एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देगी मिर्च, क्योंकि देगी मिर्च से इसका कलर काफी अच्छा आएगा। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से कुक हो गई है और अब इसमें हम थोड़ी सी अमूल की क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें मलाई भी डाल सकते हो अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो। और इसमें मैं अब थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और हमारी ग्रेवी अब रेडी है।